जानिए कौन है पप्पल प्रीत, जो अमृतपाल के साथ फरार है। अमृतपाल मानता है अपना मेंटर अमृतपाल सिंह, ये वही नाम है जिसने पूरे पंजाब में इस वक्त बवाल मचा रखा है। बीते दिन से इसके सरेंडर की खबरें हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। जहां जहां अमृतपाल के सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, पुलिस इसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही ये लोकेशन चेंज कर देता है। पुलिस इसको पकड़ने के लिए कई टीमें बना चुकी है, दिन रात कोशिशें कर रही है, लेकिन ये फिर भी हत्थे नहीं चढ़ रहा। सवाल बनता है कि आखिर कैसे। तो बता दें कि अमृतपाल के साथ जो साई की तरह चल रहा है, उसका नाम है पप्पल प्रीत, जो उसे पुलिस के हाथ नहीं लगने दे रहा। आइए बताते हैं आपको कि कौन है ये पप्पल प्रीत। पप्पल प्रीत सिंह को अमृतपाल का मैन हैंडलर कहा जाता है। अमृतपाल इसे अपना मेंटर मानता है, मतलब उसको गुरु मानता है। वह अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है। खुफिया एजेंसियों की माने तो पप्पल प्रीत पंजाब में खालिस्तान का माहौल खड़ा करने के लिए ISI के सीधे संपर्क में है। कहा जा रहा है कि वह राज्य में आतंकवाद फैलाने के लिए साजिश में जुटा है। पप्पल प्रीत अमृतपाल के मजीठा हलके के गांव मरडी कला का रहने वाला है। उसकी माँ सरकारी टीचर थी और पिता खेतीबाड़ी से जुड़े थे। पप्पल प्रीत की पत्नी और माँ घर पर नहीं है, हालांकि पुलिस ने लगातार सभी पर नजरें बना रखी हैं। पप्पल प्रीत शुरू से ही अमृतपाल का बहुत करीबी रहा है और लगातार अमृतपाल को शुरुआत से ही हर चीज़ मुहैया कराना और हर चीज़ में सपोर्ट करता रहा है। पप्पल प्रीत अमृतपाल का मीडिया सलाहकार भी है। वारिस पंजाब डे का किसी भी तरह से कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, वो मीडिया का पूरा अरेंजमेंट पप्पल प्रीत ही देखता है। तो वहीं पप्पल प्रीत खुद को वीडियो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट बताता है। इससे पहले 2017 में वह सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुआ था, पर 9 महीने बाद वो पार्टी से अलग हो गया था। इसको लेकर जांच एजेंसियों को पता चला है कि पप्पल प्रीत एक खालिस्तानी प्रोपगेंडा वेबसाइट भी चलाता है। जांच में ये भी सामने आया कि पप्पल प्रीत वारिस पंजाब दे संगठन के अस्तित्व में आने से पहले भी पंजाब में सक्रिय रहा है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल सरकार ने नवंबर 2015 में पप्पल प्रीत पर ISI के साथ कथित संबंधों के मामले में देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया था। पप्पल प्रीत पर UAPA समेत पहले से कई मामले दर्ज हैं। उसे 2015 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संबंध होने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर देशद्रोह के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। इसके बाद पप्पल प्रीत को 2016 में भी गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के अनुसार पंजाब में खालिस्तान का माहौल खड़ा करने के लिए पप्पल प्रीत ISI के सीधे संपर्क में था। यह भी दावा किया जा रहा है कि पप्पल प्रीत पंजाब में आतंकवाद की साजिश रच रहा था। पप्पल प्रीत की अभी भी अमृतपाल के साथ होने की बात कही जा रही है। फिलहाल दोनों फरार हैं, जिसके लिए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और ये दोनों अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।